हेलो स्टूडेंट, हमने बेसिक की रीत में मेन तीन रीत सीखी, लॉग की रीत, आदेश की रीत, चौकड़ी गुणाकार की रीत। अब ये आदेश, लॉग और चौकड़ी गुणाकार की रीत का इस्तेमाल करके हम आगे सम करेंगे। एग्जांपल नंबर 17, आपेल समीकरण युग्मनु उकेल शोधो। यहां पे हमारो रीत बोली नहीं कौन सी रीत से हमारे सम करना है। तो हम लॉब की रिश्ते भी दाखिला कर सकते हैं, आदेश की रिश्ते भी कर सकते हैं और चौकड़ी गुणाकार की रिश्ते भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इस समय लॉब की रिश्ते दाखिला करेंगे। अब ये दाखले में और आगे जो हमने दाखले कर उसमें क्या फर्क है? यहाँ पे छेद में क्या है, एक्स है और छेद में क्या है, वाई है। इसके पहले वाले समय ऐसा समीकरण आता नहीं था। हमारे इसको द्विचल सुरेख समीकरण में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द्विचल सुरेख समीकरण मींस क्वेश्चन ऐसा होना, 3x प्लस 5y इक्वल टू 8, 9x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो हम क्या करते, इसका गुणाकार सरखा करने के लिए 9 से करते थे, इसका 3 से करते थे। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में छेद में x और y दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा द्विचल सुरेख समीकरण में। अब द्विचल सुरेख समीकरण में कन्वर्ट करने के पहले हमारा समझना पड़ेगा ये 2 अपॉन एक्स को एक्सपांड कैसे कर सकते हैं। 2 अपॉन एक्स का मतलब क्या हुआ, तो समझो मैं करता हूं ये 2 है, ये 2 को मैं अलग करता हूं, मल्टीप्लाई एक्स क्या डिवाइड में है, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं था हम 1 रखेंगे और 2 के डिवाइड में कुछ भी नहीं था हम क्या रखेंगे, ए। तो इसका मतलब क्या, 2 अपॉन एक्स ही हो गया। जैसे 2 बन जा 2 बेकूबे और नीचे 1 का गुणाकार x से करेंगे तो 2x आंसर हमारा जाएगा। तो ये मैंने आपको एक्सपांड करके बताया कि 2 अपॉन x का मतलब क्या होता है। सेम इसी तरह 3 अपॉन y, अगर मैं बात करूं 3 अपॉन y, तो 3 अपॉन y का मतलब क्या होता है, 3 ऊपर है उसको अलग कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करा y क्या है डिवाइड में, y के अपॉन y के न्यूमरेटर में अंश में कुछ भी हमने 1 रखा, इसके छेद में कुछ भी नहीं, हमने क्या रखा, 1 रखा। 3 × 1 = 3 और 1 का गुणाकार वाई से आंसर क्या आएगा, वाई। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे ये जो अपॉन में होता है वो चीज को हमारे एज्यूम करनी पड़ेगी, धारनी पड़ेगी, लैड करनी पड़ेगी। तो यहां पे हम देख सकते हैं अपॉन में एक्स और वाई, इसको कन्वर्ट हमारे करना पड़ेगा, फिर वो समीकरण में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पता चल गया कि 2 के मल्टीप्लाई में कौन है, 1 अपॉन एक्स है। इसी तरह 3 के गुणाकार में कौन है, 1 अपॉन वाई है। इसी तरह 5 और भागाकार एक्स है, तो 5 के गुणाकार में कौन है, 1 अपॉन एक्स है। इसी तरह 4 के मल्टीप्लाई में कौन है, 1 अपॉन वाई है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 अपॉन एक्स है, तो इसको मेरा एक्सपांड करना है, ये 5 को मैं अलग लिखूंगा, नीचे क्या है ये एक्स अलग हो जाएगा, ऊपर को भी 1 रखूंगा, नीचे अगर 1 रखना तो रखो, 1 की कोई वैल्यू नहीं है गुणाकार में, तो 5 × 5 अगर और नीचे क्या रहेगा, x। अगर मैं 1 भी रखता हूं तो 1 का मल्टीप्लाई x से करूं तो आंसर क्या आएगा, x ही आएगा। इसी तरह 4 अपॉन y, तो क्या करूंगा मैं 4 को अलग लिखूंगा, मल्टीप्लाई में पर डिवाइड में y है, ऊपर कुछ भी तो 1 लिख दिया मैंने, नीचे भी बेस के लिए 1, 4 × 4 और y बन जा y। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब हम सम स्टार्ट करेंगे। ये सम लॉब की रिश्ते भी कर सकते हैं, आदेश की रिश्ते भी कर सकते हैं, चौकड़ी गुणाकार की रिश्ते भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे क्या करना होगा, समीकरण बनाने पड़ेंगे। समीकरण हमारे दिए हुए नहीं है क्यों, छेद में x और y दिया है, छेद में x और y होता है तो समीकरण गिनाता नहीं है। तो हमारे समीकरण पहले इसको बनाना पड़ेगा, समीकरण के स्वरूप में लाना होगा, इसके प्रमाणित स्वरूप में। तो हम देख सकते हैं, तो हम पहले धारेंगे कि धारोगे कि 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी लेता। ऐसा क्यों करा, क्योंकि पहले समीकरण में क्या है, 2 अपॉन एक्स 3 अपॉन वाई बराबर 13 दिया है, 13 दिया है, ये 2 का 2, ये छेद में एक्स है, ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 रखेंगे जो मैंने आपको आगे बताया, ये 3 को अलग करेंगे, छेद में वाई है, ऊपर कुछ भी नहीं तो क्या करेंगे, 1 करेंगे 13। इसलिए हमने 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए लिया, सपोज करा 1 अपॉन वाई कितना लिया, बी लिया, द्विचल सुरेख समीकरण बनाने के लिए। अब क्या करिए, 2 का 2 लिखा मैंने, 1 अपॉन एक्स का आंसर क्या है, ए है, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या है, ए है,
प्लस का प्लस, थ्री का थ्री, और वन अपॉन वाई का आंसर क्या बी है, बराबर कितना हो गया 13 हो गया। तो ये हमारो ऐसे मिलेगा समीकरण नंबर एक। तो आप देख सकते हो ए की एक घात है, बी की भी एक घात है, तो इसको हम बोलते हैं द्विचल सुरेख समीकरण। सेम इसी तरह हम दूसरा करेंगे, दूसरे में क्या है, पांच के भागाकार में एक्स है, चार के भागाकार में वाई है, और माइनस क्या दिया है, दो दिया है। तो हम इसको अलग कर सकते हैं, पांच का पांच छेद में एक्स है तो ऊपर वन लिखेंगे, चार का चार छेद में वाई है तो ऊपर वन अपॉन वाई लिखेंगे, बराबर माइनस दो। ये पांच का पांच वन अपॉन एक्स, एक बार क्या एक्स की जगह पे हम क्या लेंगे, ए लेंगे। चार का चार एक बार क्या वाई की जगह क्या लेंगे, बी लेंगे, बराबर माइनस दो। तो पांच ए माइनस चार बी बराबर माइनस दो, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर दो हो गया। पहला समीकरण क्या, दो ए प्लस तीन बी बराबर तेरह, पांच ए माइनस चार बी बराबर कितना होगा, माइनस दो। अब लॉग हमारा समीकरण मिल गया, हम लॉग के रिश्ते दाखला स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे सिंपल एक्स था, यहाँ पे ए हो गया, वहां वाई था, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। तो स्टेप नंबर वन तो हमारा राइट है। क्यों राइट है, कि स्टेप नंबर वन क्या है, एक्स और वाई वाला पद डाबी बाजू और अचर जमनी बाजू। तो एक्स और वाई वाले पद कौन सी बाजू, डाबी बाजू है, और अचर कहाँ है, जमनी बाजू। स्टेप नंबर टू हमारा क्या, सरखे करना है हमारे। तो ये दो है, ये पांच है, तो इसका गुणाकार मैं पांच से करूंगा और इसका गुणाकार किससे करूंगा, दो से। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण नंबर एक ने पांच वड़े अने बे ने, बे ने बे वड़े गुणता। समीकरण नंबर एक ने पांच वड़े अने बे ने बे वड़े गुणता। पांच दू दस ए, पांच तरी पंदर बी, तेर पंचा पांसठ, बे पंचा दस ए, ये माइनस का माइनस, बे चौक आठ बी, ये माइनस आठ बी है, और बे दू चार, ये माइनस चार। जैसा लॉब की रीत में करते थे वही लॉब की रीत का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस। दस ए दस ए कैंसिल, पंद्रह प्लस में आठ बी प्लस में, सर की निशानी सर वाला, पंद्रह और आठ कितने हुए, तेईस बी, पांसठ भी प्लस में चार भी प्लस में, पांसठ और चार कितने, 69 हो गए। अब 23 गुणाकार में उस तरफ क्या होगा, भागाकार में, 23 तरी कितना होगा, 69। तो हमारा आंसर बी बराबर कितना आ गया, तीन मिल गया। अब सिंपल लिखेंगे बी की कीमत समीकरण नंबर एक मां मुक्ता। तो बी की कीमत हम समीकरण में, तो समीकरण नंबर एक क्या है, दो ए प्लस तीन बी बराबर कितना है, तेरह, दो का दो, ए कितना है ढूंढने का है, तीन का तीन, बी कितना है, तीन मिल गया बी हमारे को, बराबर तेरह, त्रण तरी नौ हो गया, बराबर तेरह, नौ प्लस में बराबर की उस तरफ क्या होगा, माइनस में, तेरह में से नौ माइनस करेंगे, अगर तेरह में से हम नौ माइनस करते तो हमारा आंसर कितना आता है, चार आता है। अब ए के साथ दो गुणाकार में, सामे है तो भागाकार में, बे दू चार, तो ए बराबर हमारे को क्या मिला, दो मिला। लेकिन जो ये आंसर मिला और ए और बी का मिला, क्वेश्चन में एक्स और वाई दिया हो तो हमारे एक्स और वाई ढूंढना पड़ेगा। अब हमने धारा क्या था, कि हमने धारा था वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए, वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या धारा था, ए धारा था, वन अपॉन एक्स का एक्स, ए कितना है, दो है, ए कितना है, दो। अब इसके छेद में x है, इसके छेद में कुछ भी नहीं, तो क्या लिखेंगे हम, एक सिंपल छेद अलग अलग चौकड़ी गुणाकार, एक एक एक, दो का गुणाकार x से करेंगे, दो एक्स होगा। अब हमारे को पता है कि x के साथ या कोई भी a के साथ, b के साथ, c के साथ कोई संख्या होती है तो कोई संबंध नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, गुणाकार, बराबर की उस तरफ क्या होगा, भागाकार। तो हमारा आंसर कितना है, एक का भागाकार दो से करेंगे तो एक्स का आंसर मिलेगा। सेम इसी तरह हम करेंगे वन अपॉन वाई बराबर, हमने क्या धारा है, बी धारा है, तो वन अपॉन वाई का वाई, बी का आंसर कितना हमारे पास, तीन है, तीन के छेद में कुछ भी नहीं तो एक लेंगे, चौकड़ी गुणाकार करेंगे, एक एक एक, तीन का गुणाकार वाई से तो तीन वाई, तीन गुणाकार में बराबर की उस तरफ क्या होगा, भागाकार में। तो हमारा आंसर क्या होता है, एक्स बराबर वन अपॉन टू होता है और वाई बराबर क्या होता है, वन अपॉन थ्री होता है, ऐसे हमारे को आंसर मिलेगा।
सिंपल खाली क्या है, जो पहला जो धानने का होता है वो मेन होता है, इसके बाद जो धारा उसकी कीमत रखी वो देखना, बाकी सब सेम हम जैसे करते थे वैसे ही। स्वाध्याय 3.6 का सम देखते हैं। नीचे ना द्विचल सुरेख समीकरण युग्म ने योग्य आदेश वड़े, योग्य आदेश, आदेश का मतलब है कमांड, यहां पे यूं बोला ना, आदेश की रीत नहीं बोला, सुरेख समीकरण युग्म में रूपांतरित करीने तेमनो उकेल मेळवो। भले सुरेख इसको हमारे क्या करने का है, धार के एक द्विचल सुरेख समीकरण बनाने का है, फिर सम करेंगे। ये द्विचल सुरेख समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि द्विचल सुरेख समीकरण में एक्स की एक घात होती है, वाई की एक घात होती है, फिर होता है अचर, इसका प्रमाणित स्वरूप की बात करें, पर लेकिन यहाँ पे छेद में है एक्स, एक्स कहाँ पे है, छेद में, तो हमारे इसको एक आदेश देना पड़ेगा, इसको आदेश दिए बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे द्विचल सुरेख समीकरण में, फिर हम सम कोई भी रिश्ते करेंगे, लॉग की रिश्ते भी कर सकते हैं, आदेश की रिश्ते कर सकते हैं, और चौकड़ी गुणाकार की रिश्ते भी कर सकते हैं। यहाँ पे आदेश का मतलब आदेश की रीत नहीं है, कमांड के हमारे सपोज करके कुछ भी करके इसको द्विचल सुरेख समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो पहला समीकरण देखते हैं, दो के भागाकार में वर्गमूल में एक्स है, तीन के भागाकार में वर्गमूल में वाई है, बराबर दो है। अब इसको हम अलग करेंगे, क्या करेंगे अलग, तो अलग करते दो अलग हो जाएगा, और छेद में क्या है वर्गमूल में एक्स है, ये दो को और वर्गमूल में एक्स को अलग करते, दो को अलग करा, दो के बीच में निशानी गुणा करके आएगी, ऑलवेज ऊपर कुछ भी एक रखेंगे। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, तीन को अलग करेंगे और ये क्या होगा वन अपॉन वर्गमूल में वाई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा दो। सेम इसी तरह दूसरे समीकरण की बात करते हैं, नंबर एक है, चार के भागाकार में वर्गमूल में एक्स है, और दूसरा क्या है माइनस नौ के भागाकार में क्या है वर्गमूल में वाई है, बराबर कितना माइनस एक, तो इसको हम अलग करते हैं, चार का चार गुणाकार में वर्गमूल में एक्स छेद में, ऊपर कुछ भी नहीं तो एक रखेंगे, नौ का नौ नीचे वर्गमूल में वाई है, ऊपर कुछ भी नहीं तो क्या रखेंगे एक रखेंगे। तो ऐसे हमने ये एक्सपांड करा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, एक्सपांड समझाने के लिए आपको करा। अब देखने जाओ तो अब हम धारेंगे, धारो के दोनों में कॉमन क्या है, एक भाग वर्गमूल में एक्स, यहाँ पे भी एक भाग वर्गमूल में एक्स, एक भाग वर्गमूल में एक्स बराबर ए, और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, एक भाग वर्गमूल में वाई बराबर, इसके बराबर ए लिया, इसके बराबर बी लेता। अब सिंपल जो पहला समीकरण बनाया उसमें आप देख सकते हो, दो का दो ये गुणाकार का गुणाकार में लिखता हूं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, और वन अपॉन वर्गमूल में एक्स की जगह हमने क्या धारा दो, ये दो का दो ये गुणाकार का गुणाकार लिखा, वन अपॉन वर्गमूल में एक्स के जगह पे मैंने क्या लिखा ए लिखा। अब यहां पे प्लस का प्लस, ये तीन का तीन, फिर अगेन गुणाकार आया, और वन अपॉन वर्गमूल में वाई क्या धारा हमने बी धारा, बराबर कितना जवाब आया दो आया। तो इसका मतलब क्या, टू ए प्लस तीन गुणिया बी तीन बी बराबर कितना हो गया दो, ये मिला हमारा समीकरण नंबर ए। सेम अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में चार दिया आगे, तो चार का चार अब मैं डायरेक्ट करता हूं, वन अपॉन वर्गुण एक्स, ये इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, तो चार ए होगा, माइनस का माइनस नौ का नौ, वन अपॉन वर्गुण में वाई ए, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे बी रखेंगे। अब ये गुणाकार बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या के बीच में दो संख्या के बीच में कोई संबंध नहीं है, हम इसको गुणाकार ही समझते हैं। तो चार ए माइनस नौ बी बराबर कितना आंसर आया, माइनस एक दिया हुआ है हमें, ये हो गया समीकरण नंबर दो। अब सिंपल है, अब स्टेप नंबर वन तो हमारा डायरेक्ट मिल गया, स्टेप नंबर वन हमारा क्या मिल गया, डायरेक्ट मिल गया। ये दाखला हम आदेश की रिश्ते भी कर सकते हैं, चौकड़ी गुणाकार और लॉब की रिश्ते भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर वन हमारे को लॉब की रिश्ते मिल गया, एक्स और वाई वाला पदों डाबी बाजू और अचर जमनी बाजू। सेकंड थिंग कि इसके अंदर अब रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सब में रेशियो ऐसे होंगे जिसमें ए वन ए टू और बी वन बी टू सरखे नहीं होंगे, मतलब अनन्य उकेल मिलेगा ही ऐसे सब में, तो हम डायरेक्ट ही करेंगे इसको। स्टेप नंबर वन मिल गया। अब स्टेप नंबर टू हमारा क्या है कि हमारे ए को या बी को सरखा करना था, हम ए को सरखा करेंगे, यहाँ पे दो है यहाँ पे चार है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसका गुणाकार किससे करेंगे चार से करेंगे, और इसका गुणाकार हम किससे करेंगे दो से, अगर कुछ भी सोचना नहीं है तो।
पहले वाले को दूसरे वाले का सहगुणक दे देने का और दूसरे वाले को पहले वाले का सहगुणक दे देने का। तो इसको चार दे दिया, उसको क्या दे दिया, दो दे दिया। एक और मेथड है कि चार और दो एक घड़ी में आते हैं, दो दो का गुणा कर मैं दो से करूंगा तो डायरेक्ट मेरा आंसर कितना हो जाएगा, चार। तो मैं सिंपल समीकरण नंबर एक को दो बड़े गुणाकार कर लूंगा तो भी मेरे ये जो सहगुणक कैसे हो जाएंगे, सरखे हो जाएंगे। लेकिन समझ में नहीं आता तो इसका गुणाकार चार से, इसका गुणाकार दो से। तो सिंपल है, समीकरण नंबर एक ने चार बड़े अने बे ने बे वड़े गुणता, चार दू आठ है, चार तरी बारह भी हो गया और चार दू कितना हो गया, आठ हो गया। इसी तरह बे चौक आठ है, बे नौवा अठार भी, बे एकू बे। सिंपल, ये क्या मिला, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो मिल गया। अब क्या करें, सिंपल स्टेप नंबर तीन हमारा क्या है, समीकरण नंबर एक अने बे ने सरखा होता है, ये हमारा स्टेप नंबर तीन होता है। तो समीकरण नंबर एक क्या, आठ है प्लस बारह बी बराबर आठ, आठ है माइनस अठारह बी बराबर माइनस दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये आठ है कैंसल, बारह और अठारह दोनों की निशानी कैसी है, सर की निशानी तो सरवार करेंगे, बारह और अठारह कितने हो, तीस भी हो जाएंगे, बड़ा प्लस तो आंसर प्लस में, आठ और दो दोनों की निशानी सर की है, आठ भी प्लस में दो भी प्लस में, आठ ने दो कितने हो जाएंगे दस। सिंपल है, ये दस का दस रहेगा और तीस गुणाकार में तो कहाँ हो जाएगा, भागाकार में। अब अमुक स्टूडेंट क्या करते हैं कि 30 के भागाकार में 10 रखते हैं। सिंपल याद रखने का, जो b और a के साथ जुड़ा हुआ है वो गुणाकार में, तो बराबर की उस तरफ क्या होगा, भागाकार में। ये 0-0 क्या हो गया, कट। तो हमारा आंसर b का आंसर कितना आया, 1 के भागाकार में 3 आ गया। अब सिंपल b मिल गया तो अब क्या ढूंढेंगे, a ढूंढेंगे। तो b की कीमत समीकरण नंबर 1 मां मुक्ता। तो सिंपल मेन समीकरण क्या हमारा, 2a प्लस 3b बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। 2 का 2 a का a 3 का 3 और b कितना है, 1 के भागाकार में 3 है। सिंपल ऊपर ऊपर का गुणाकार, 3 एक 3 अब छेद में 3 का 3, 3 एक 3 3 3 कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, तो 1 एक प्लस में बराबर की उस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में। दो में से एक जाओ तो एक, दो गुणाकार में बराबर की उस तरफ क्या होगा, भागाकार में। ये हमारो बी मिला और ए मिला, क्वेश्चन में एक्स और वाई दिया, तो हमारे एक्स और वाई ढूंढना पड़ेगा। तो एक्स और वाई ढूंढने के लिए क्या है, हमारो क्या दिया था, हमने धारा क्या था, एक भाग्या वर्गमूल में एक्स क्या धारा, ए धारा था, एक भाग्या वर्गमूल में एक्स क्या धारा था, ए। तो एक का एक वर्गमूल में एक्स का एक्स, ए के जगह पे क्या रखेंगे, एक भाग्या दो रखेंगे, एक की जगह पे क्या रखेंगे, एक भाग्या दो। सेम इसी तरह एक भाग्या वर्गमूल में वाई के बराबर हमने क्या धारा है, बी धारा है। तो एक का एक वर्गमूल में वाई का वाई और बी बी की जगह पे क्या रखेंगे, एक भाग्या तीन। सिंपल चौकड़ी गुणाकार करेंगे तो दो का गुणाकार एक से दो होगा और एक का गुणाकार वर्गमूल में एक्स से करेंगे तो वर्गमूल में एक्स ही आएगा। अभी वर्गमूल में x के बराबर दो जवाब मिला, हमारे x से ये वर्गमूल है बराबर की उस तरफ क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ये वर्गमूल है बराबर की उस तरफ क्या हो जाएगा, वर्ग। तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, x। अब दो का वर्ग कितना आएगा, चार। तो x का जवाब हमारे को क्या मिला, चार मिला। सेम इसी तरह इसका भी करेंगे, चौकड़ी गुणाकार, तीन का गुणाकार एक से तो तीन आएगा, एक का गुणाकार वर्गमूल में वाई से तो वर्गमूल में वाई आएगा। ये वर्गमूल में वाई है, वर्गमूल है बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। तो तीन का वर्ग कितना होगा, नौ हो जाएगा। तो सिंपल हमारा आंसर कितना है, एक्स बराबर चार, वाई बराबर कितना है, नौ आया।